मंडलीय जिला चिकित्सालय आगरा में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर और महिला विंग की शुरुआत करने की योजना पर तैयारी चल रही है। ट्रॉमा सेंटर के लिए तकरीबन 1 बीघा जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अस्पताल से सरकार रोजगार कार्यालय का परिसर जिला अस्पताल में मर्ज हो सकता है। आगरा के मंडलीय जिला अस्पताल प्रशासन ने शासन से अपील की है कि जिला अस्पताल का एरिया बढ़ाया जाए, जिससे मंडलीय जिला चिकित्सालय में महिला विंग और एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो सके। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत डिप्टी सीएम को भी अवगत करा चुके हैं कि ट्रॉमा सेंटर के लिए जिला अस्पताल में अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अस्पताल से सटे रोजगार कार्यालय परिसर बेहद मुफीद है। लिहाजा ऐसे में जिला अस्पताल में आने वाले समय में ट्रॉमा सेंटर और महिला विंग दोनों ही अस्पताल स्थापित हो सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर की पोजीशन देख रहे थे क्या फीजेबल है, तो हमारे यहाँ एरिया की कमी की वजह से, मतलब जगह की कमी की वजह से वो बन नहीं पा रहा है। कुछ हमारी जो पुराने क्वार्टर डिमोलिशन के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी परमिशन नहीं मिल पाई, उसको भी हटा देते हैं, डिमोलिशन हो जाता है, तब भी ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह कम पड़ रही है। एक हमारे यहाँ रोजगार कार्यालय है, वो हमारी सटा हुआ है जिला चिकित्सालय से, यदि उसकी भूमि जिला चिकित्सालय में मिल जाती है तो ट्रॉमा सेंटर भी बन जाएगा, यहाँ के बेड्स भी बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए हम सरकार को लिख रहे हैं सर, कुछ हो जाता है तो। सर कितनी जमीन टोटल चाहिए होगी ट्रॉमा सेंटर के लिए और क्या क्या सुविधाएं इसमें? ट्रॉमा सेंटर के लिए 1 बीघा जगह के लगभग चाहिए होती कम से कम सर, और फीमेल विंग भी जो हमारे माननीय डिप्टी साहब आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, वो पूछ रहे थे कि फीमेल विंग क्यों नहीं है आपके यहाँ, तब उन्हें अवगत कराया गया जगह की कमी से ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से लेटर तो आते हैं लेकिन उसका जवाब पॉजिटिव नहीं जा पा रहा है, तो उन्होंने कहा इस चीज़ को हम देखते हैं सर। डीजी महाजनी, उसके लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।